The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो अगर आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि हमारे संजू बाबा संजय दत्त जी को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब आप सोचते होंगे, कई लोग एक्चुअली ऑल्दो वो ट्रीटमेंट के लिए अभी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और वी ऑल होप कि उनका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल हो, लेकिन कितने क्या प्रोग्नोसिस होता है, कितने चांसेस होते हैं। लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैंसर इन द वर्ल्ड, उसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है और बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर बैड लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ देयर स्मोकिंग हैबिट। कोई ड्रग्स लेता है, कोई स्मोक करता है, कोई जस्ट स्मोकिंग करने वाले लोगों की संगत में होता है, तो देयर आर सो मेनी कॉजेस, सो मेनी थिंग्स। सो वन रीजन इज दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है पॉजिटिव रहना। सो उम्मीद हमेशा छोड़नी नहीं चाहिए। सो जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एक एथलीट युवराज सिंह जो ऐसे डिजीज से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। सो ऑल्दो संजय दत्त की उम्र काफी ज्यादा है और उनका कैंसर किस स्टेज में हमें नहीं पता। तो स्टेज वाइज ये डिपेंड करता है कि सर्वाइवल, यानी कि कितने साल तक सर्वाइव होने के चांसेस है। इसको जो सर्वाइवल को आंका जाता है वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखा जाता है। टेक्निकली लंग कैंसर में दो प्रकार के कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें तीन प्रकार के बेसिक चीज है। नंबर एक, क्या वो कैंसर लोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड मतलब कि कोई साइन नहीं है कि कैंसर लंग से बाहर गया है। लोकलाइज्ड इसको बोलते हैं, एक ही जगह लोकलाइज्ड कैंसर है, सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस वहां होगा। अगर ऐसा लोकलाइज्ड कैंसर है तो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में 5 ईयर्स में 61% तक लोग बच जाएंगे। तो 61% सर्वाइवर है लोकलाइज्ड कैंसर में, और स्मॉल सेल कैंसर थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, वो सिर्फ 27% लोग सर्वाइव कर पाएंगे, 27% सर्वाइवल आफ्टर 5 ईयर्स इफ इट इज लोकलाइज। अगर ये रीजनल है, रीजनल मतलब लंग के बाहर कैंसर निकल गया है लेकिन वो आसपास के लिम्फ नोड में गया है, इधर के लिम्फ नोड, एक्सिला के लिम्फ नोड, गले के लिम्फ नोड, लिम्फ नोड थोड़े बहुत आसपास के चला, रीजनल हो गया, कैंसर स्प्रेड हो चुका। अगर ऐसा है तो सर्वाइवल आपका सीधा 50% कम हो जाता है, मतलब जो 60% था नॉन स्मॉल सेल का वो सीधा आ जाएगा 30-35%, और जो आपका 27% था लोकलाइज में सीधा 16%, मतलब चांसेस आर वेरी हाई जहां पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। और अगर ये रीजनल जो है वो डिस्टेंट स्प्रेड हो गया, यानी दूर दूर तक फैल चुका है कैंसर, डिस्टेंट मतलब हर एक बॉडी, ब्रेन, बोन, लंग, लिवर, हर जगह फैल चुका है, तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस के बाद 5 ईयर सर्वाइवल और ज्यादा कम हो जाता है, 10 गुना कम हो जाता है। जहां 60% था लोकलाइज में, वहां मात्र 6% लोग सर्वाइव करेंगे, 94% चांस है नहीं बचाया जाए, वो भी दोनों में, नॉन स्मॉल सेल हो और स्मॉल सेल में 3% चांस। यू कैन सी हाउ रिस्की दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज, बहुत सिवियर प्रॉब्लम है कार्सिनोमा लंग, और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन के लिए जिनको ये रिस्क होता है, जिनकी फैमिली में रिस्क होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी बैड लाइफस्टाइल है, उनको छोटा सा भी लंग की प्रॉब्लम मिस नहीं करनी चाहिए, छोटी सी भी लंग की प्रॉब्लम को मिस नहीं करना चाहिए। कायदे से उनको बोला जाता है लो डोज सीटी स्कैन कराएं, बीच बीच में, साल दो साल में एक बार लो डोज सीटी स्कैन में
आप पकड़ सकते हैं कोई एक अबनॉर्मल चीज जो हो सकता है इनिशियल स्टेज हो कैंसर की. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि संजू बाबा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है. वी डोंट नो द स्टेज, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी बाहर नहीं है. सो सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज थिंग्स. बेस्ट टू बेस्ट में he has around 60% chance to survive in 5 years. 5 years survival. So that is the best chance. Worst to worst, बहुत worst तक जा सकता है. So this is all I wanted to tell you कि lung cancer से बचना बहुत जरूरी है. इसलिए अगर आप smoking करते हैं, अगर आप drugs लेते हैं, अगर आपके दोस्त smoking करते हैं, अगर आपके आसपास कोई धुआं है, तो भाई साहब stop. आज टाइम है, कल मिले ना मिले कोई पता नहीं. प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट वर्थ वाइल. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड.